ब्रह्मा जी जैसे यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैंने एक लीडर के रूप में, एक हेडमिस्ट्रेस के रूप में जब स्कूल में योगदान किया तो मेरे स्कूल की स्थिति ये थी कि वहाँ पर मुझे विरासत के रूप में एक बहुत पुराना स्कूल जो एस्टैब्लिशमेंट 1960 का था वो मिला, और हमारे शिक्षक थे सात संख्या में थे और बच्चे बहुत ज़्यादा थे, लगभग 1200 बच्चे थे। फर्स्ट डे जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ मैंने केवल 120 बच्चों को पाया और बाकी बच्चे नहीं थे। जब वहाँ पूछा लोगों से, मैंने वहाँ के शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम बच्चे तो आते नहीं हैं, नामांकन होता है लेकिन बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे भाग जाते, जो आते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए और उस चुनौती को मैंने बहुत ही गंभीरता से लिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरी टीम ने किया। मैंने टीचर्स की टीम बनाई, इंचार्जेस बनाए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, जैसे मैंने उसको लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया, किसी को स्पोर्ट्स का इंचार्ज बनाया, किसी को मैंने विभिन्न तरीके से, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें बनाया इंचार्जेस और उसकी टीम तैयार की। सबसे पहले चुनौती थी, मेरा स्कूल एक बहुत ही पुराना खंडहर की तरह लगता था, बट उसको हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से हम ब्यूटिफिकेशन उसका कर सकते हैं। तो एक हमने प्लांटेशन इंचार्ज हमने बनाया और उस इंचार्ज ने वो सारा काम करके दिखाया। बच्चों की टीम से पौधे लगाए हम लोगों ने, फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 पौधे हम लोगों ने लगाए, लेकिन कुछ पौधे उसमें से सूख चुके थे। बाद में हम लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर परिवर्तन हुआ। जब मेरा स्कूल सुंदर बन गया तो बच्चे, बाहर के बच्चे भी सोचे थे कि इतना सुंदर स्कूल है, हम क्यों ना जाएं, उसमें क्यों ना नामांकन करें। दूसरे स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ आने लगे और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। हम लोगों की कुछ प्रतियोगिताएं कराई, को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोगों ने करानी शुरू कर दी, जिससे और लैब डेवलप कर दी है, लैब थे उसको बहुत सुंदर हम लोगों ने बनाया। तत्पश्चात ये रिजल्ट हुआ कि धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी और हमारी एकेडमी में सुधार होने लगे। परंतु हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। यहाँ के कल्चर में लड़कियों की शादी 13-14 वर्ष में हो जाया करती थी, तो लड़कियाँ आती थी लेकिन बाद में वे लोग टिफिन के बाद भाग जाती थी, या फिर कुछ दिनों तक आती थी, बाद में वे लोग आना छोड़ देती थी। जब मैंने उनसे कहा कि तुम लोग पढ़ो, तो बच्चियों ने सोचा कि मैडम तो जो सिखा रही है ये तो अच्छी बात है लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। पेरेंट्स को जब मैंने बताया, समझाया, तो वे कहने लगे हमें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं। मैंने कहा अब जो आपने लड़का ढूंढा है वो कैसा है? उन्होंने कहा वो पढ़ रहा है। तो मैंने कहा जब लड़का पढ़ सकता है तो आपकी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती है, इसलिए प्लीज आप उनको स्कूल भेजिए। लेकिन तुरंत ये मुझे परिणाम नहीं मिला, कुछ समय लगा मुझे ऐसा करने में, लेकिन आज हमारे स्कूल में अगर 1168 बच्चे हैं तो उसमें से आज हमारे स्कूल में लगभग 650 लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, एटलीस्ट इंटर वो पढ़ाई पूरी कर रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था और इसको मैंने पूरा किया और कर रहे। हमारी टीम है जो ये सारे काम कर रही है और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लीडर केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, लीडर तो पूरे माहौल में परिवर्तन कर देता है। और जब भी आप कम्युनिटी में जाएंगे, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मैं डॉक्टर एंथनी की बहुत बड़ी कृतज्ञ हूँ, वो भी हमारे क्षेत्र में किसी वक्त गए, उन्होंने ये सुना होगा वहाँ की कम्युनिटी से कि कैसे वहाँ के बच्चों में परिवर्तन हुआ है, उनमें चेंजेस हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और लगता है कि ये काम हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे काम हमने करना है। मेरा स्कूल एक बहुत सुंदर स्कूल है, जिला में और स्टेट में इसकी पहचान है इस स्कूल की। और मैं चाहूंगी कि आप लोग को भी कभी वक्त मिले तो हमारे स्कूल जरूर आएंगे। झारखंड है, बहुत सुंदर है। धन्यवाद।